हे गाइस वेलकम टू माय चैनल टेक इट इजी और आज मैं वंश और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक अनबॉक्सिंग जो है मेरे पास Inext का IN-936BT नेक ईयरफोन्स और इसे मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बाय किया है क्योंकि मैं अधिकतर वीडियोस बनाता रहता हूं तो इससे क्वालिटी भी अच्छी आएगी और इसका बेस भी बहुत अच्छा है जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं इस पर लिखा है एक्स्ट्रा बेस। सो आज मैं इसकी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और इसका रिव्यू भी बताऊंगा और इसका होनेस्ट रिव्यू दूंगा बिल्कुल होनेस्ट वाला। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था हम पहले सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे फिर मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा कि कैसे काम करता है। तो अब हम बॉक्स के पीछे की साइड देखें तो इसका पूरा डिज़ाइन दे रखा है और बता रखा है कि इसकी बैटरी 300 mAh की और आपको 5+ हॉर्स प्ले बैक मिलेगा और बेस अच्छा। इसका माइक्रोफोन भी एनेबल्ड है इसमें तो आगे आप कॉल भी उठा सकते हैं और इसमें नॉइस कैंसिलेशन का भी फीचर है। सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं सबसे पहले आपको एक USB केबल मिल जाती है ताकि अपने आप इनको चार्ज कर सकें अपने नेक ईयरफोन्स को और थोड़े से ईयर पैड्स मिल जाते हैं जिनके कान बड़े या छोटे होते हैं उनके लिए और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाती है। वैसे तो मैं इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ता नहीं पर आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये 4 pages की इंस्ट्रक्शन मैनुअल है इसकी। तो अब हम सिंपली अपने सबसे पहले कॉम्पोनेंट की तरफ चलते हैं देखते हैं कैसा है ये। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत फ्लैक्सीबल है और ये बिल्कुल आसानी से मूव कर पा ऐसा है बिल्कुल फ्लैक्सीबल। आप इसको अपने नेक में डालेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा ज़्यादा। तो अब हम इसको भी हटा देते हैं यहाँ पे सिंपली इसको देखते हैं खाली। तो आप देख रहे हैं कैसा ऐसा है ये। अब इसके राइट हैंड साइड देखते हैं तो क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा एक और एक वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन और इसमें आप माइक है तो आप कॉल भी उठा सकते हैं तो कॉल उठाने के लिए भी एक बटन दे रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे सिंपली चार्जिंग पोर्ट है ताकि आप इसे चार्ज कर पाए और यहाँ पे रिवाइंड का बटन दे रखा है। और इसमें एक चीज़ और नोटिस करी है मैंने कि जो एयरपोर्ट्स हैं ये वाले ये एकदम यहाँ पे चिपक जाते हैं मैग्नेट है मैग्नेटिक है ये आराम से चिपक जाते हैं। अगर आपको नहीं सुनने तो आप ऐसे चिपका के रख सकते हैं इनको। और यहाँ पे प्ले पॉज का बटन है और इस साइड मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। तो सबसे पहले हम इसे ऑन कर लेते हैं और कनेक्ट करके देखते हैं कि कनेक्ट कितनी जल्दी हो जाते हैं ये। तो सबसे पहले हम इन्हें ऑन कर लेते हैं। जैसे ही ऑन होती है एकदम वाइब्रेट होते हैं। उसके बाद हम अपने फ़ोन की ब्लूटूथ ओपन कर लेते हैं और जैसे ही ब्लूटूथ ओपन करी एकदम कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो गए हैं। देखते हैं कितनी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं ये। तो शायद ही कनेक्ट होने वाले हैं। देखते हैं कितने जल्दी हो जाते हैं। सो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कनेक्ट हो चुके हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। अब हम इनमें एक बार गाना चला के देखते हैं यूट्यूब से। सबसे पहले हम ये गाना चला के देखते हैं। ऐड आ चुका है पहले तो यूट्यूब पे। तो जैसा कि अब मैं आपको अपना माइक उतार के दिखा देता हूँ कि वॉल्यूम सुना देता हूँ कि इनकी वॉल्यूम कितनी अच्छी है। तो जैसा कि आप इस पर सुन पा रहे होंगे मेरे माइक में इनकी वॉल्यूम बहुत अच्छी है। तो दोस्तों अब हमने इसकी पूरी अनबॉक्सिंग कर ली। अब मैं आपको इसका रिव्यू करके दिखाऊंगा कि इसका रिव्यू कैसा है। तो अब हम वॉल्यूम प्लस करके देखते हैं एक बार इसकी। तो वॉल्यूम प्लस करके तो आप देख पा रहे हैं कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है देख लीजिए आप। और इसको पॉज करके देखते हैं एक बार। तो एकदम पॉज हो चुका है यहाँ पे भी पॉज हो चुका है आपने देखा। जैसे मैंने इस बटन को प्ले करेंगे अब प्ले करके देखते हैं ये यहाँ पे भी प्ले हो चुका है। तो चलिए अब इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इन्हें वेयर कर लिया है। अब मैं गाना चला के देखता हूँ। जैसे मैंने गाना चलाया इनकी वॉल्यूम बहुत अच्छी है। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी सिनेमा हॉल में बैठे हो और उसमें साइड की सारी आवाज़ें बिल्कुल बैन कर दें। नॉइस कैंसिलेशन इसका बहुत अच्छा है और मैं तो आपको बहुत ही स्ट्रांग तरीके से रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको नए ईयरफोन्स खरीदने हैं तो आप यही वाले खरीदें। इनकी वॉल्यूम इतनी अच्छी है और बेस बहुत अच्छा देते हैं ये। भले ही छोटे से हों पर इनकी वॉल्यूम और बेस दोनों बहुत अच्छे हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ और निकाल के एक बार। इनकी वॉल्यूम तो मैंने आपको सुनाई थी उसमें अपने माइक में एक बार। अब मैं आपको एक बार और सुना अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक बार और सुना दूंगा इनकी वॉल्यूम। जब मैं इसकी वॉल्यूम फुल कर देता हूँ ऐसा लगता है जैसे कोई बिल्कुल साउंड आते ही नहीं मुझे भी कि मैं गा रहा भी रहा हूँ बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता। आप सुन भी सकते हैं एक बार इतनी तेज आवाज आती है इनमें से बहुत तेज। अब जैसा कि मैं इसे बंद कर देता हूँ और दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप इसे अगर आप कोई भी नए ईयरफोन्स खरीदना चाहते हैं तो इन्हें जरूर खरीदें बहुत अच्छे हैं। मुझे कोई कंपनी ने स्पॉन्सरशिप नहीं दिया ना मुझे किसी इस Inext कंपनी ने ये दिया है तो मैंने अपने पैसे से खुद खरीदा अपने पर्सनल यूज के लिए 600 rupees के।
तो मैं किसी कंपनी का वो नहीं कर रहा हूँ और बिल्कुल होनेस्ट रिव्यू कर रहा हूँ इनका। ये बहुत अच्छा, इनका बैटरी बैकअप भी अच्छा है, और अगर इनमें कोई कमी आई तो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में किसी और वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी वीडियो में क्या क्या कमी है। तो थैंक यू।